स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। विधानसभा चुनाव से पहले छोड़ी थी कांग्रेस और थामा था समाजवादी पार्टी का दामन, उन्हें इमरान मसूद ने आज बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की मौजूदगी में बसपा में शामिल होने का फैसला कर लिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने खुद इसकी जानकारी दी है। मायावती ने कहा कि इमरान मसूद को उत्तर प्रदेश व खासकर पश्चिमी यूपी की राजनीति में एक जाना माना पहचाना नाम है, जिन्होंने आज अपने करीबी सहयोगियों के साथ मुझसे मुलाकात की और वे समाजवादी पार्टी छोड़कर अच्छी नीयत व पूरी दमदारी से काम करने के वादे के साथ बीएसपी में शामिल हो गए हैं। उनका पार्टी में तहे दिल से स्वागत है। साथ ही पार्टी में काम करने के इनके जबरदस्त जोश व उत्साह को देखकर आज ही उन्हें पश्चिमी यूपी बीएसपी का संयोजक बनाकर वहां पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने व खासकर अकलियत समाज को पार्टी से जोड़ने की भी विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से मिलने के समय मांगा था। वो 10 जनपद जाकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहते थे, लेकिन उनको मिलने का समय नहीं मिला। हालांकि सोनिया गांधी के दिमाग में कुछ और ही प्लान था। वो चाहती थी कि खुद खड़गे के घर जाकर उन माहौल को दूसरी शक्ल दे। खड़गे की जीत के बाद सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा उनके घर पहुंची। दोनों ने गर्मजोशी से खड़गे दंपत्ति से मुलाकात की। दरअसल खड़गे परंपरा को कायम रखते हुए गांधी परिवार के पास खुद जाने के इच्छुक थे, लेकिन सोनिया गांधी ने लीक से हटकर कुछ करने का मन बनाया। उसके बाद सारा फोकस 10 जनपद की बजाय खड़गे के घर 10 राजाजी मार्ग पर हुआ। सोनिया के साथ प्रियंका उनके घर पहुंची। फूलों के गुलदस्तों का आदान प्रदान हुआ। सोनिया और प्रियंका ने खड़गे की पत्नी राधाबाई के साथ भी गर्मजोशी से मुलाकात की। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच बुधवार यानी कि 19 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जब एक रिपोर्टर ने पार्टी में उनकी नई भूमिका के बारे में पूछा तो गांधी ने जवाब दिया, मैं अपनी और न ही कांग्रेस के अध्यक्ष की भूमिका के बारे में कुछ कह सकता हूँ। वो काम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का है। मेरी भूमिका क्या होगी वो अध्यक्ष ही तय करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हर कोई कांग्रेस में चुनाव के बारे में सवाल पूछता है। मुझे गर्व है कि कांग्रेस ने खुले और पारदर्शी चुनाव करवाए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।